हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 24 होम एंड एब्रॉड की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, चितप्पन हैड गॉट अ जॉब इन डैश 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले चितप्पन को कहां जॉब मिली थी। ऑप्शंस में है केरला, चेन्नई, अबू धाबी या फिर डी दुबई। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अबू धाबी। चितप्पन को अबू धाबी में 5 साल पहले जॉब मिली थी। और अबू धाबी कहां है? अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अबू धाबी देयर इज अ लॉट ऑफ डैश अंडर द सैंडी सोइल, यानी कि जो अबू धाबी की जो सॉइल है जो कि सैंडी सॉइल है उसके नीचे बहुत सारा क्या है? तो ऑप्शन है ऑयल, वॉटर, कोल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑयल। There is a lot of oil under the sandy soil. तो oil का यहां मतलब क्या है? Oil का यहां मतलब petroleum से है। Next question है, mountains made only of sand are called, यानी कि जो रेत से जो पहाड़ बन जाते हैं, जो टीले बनते हैं, so what are they called? तो उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपके options है sand hills, B है desert hills, C है sand dunes या फिर D है desert dunes। तो जो माउंटेन्स बनते हैं सैंड से उनको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली काइंड ऑफ ट्रीज शशि सॉ इन अबू धाबी वर डैश ट्रीज, यानी कि शशि ने जो अबू धाबी में पेड़ देखे थे वे कौन से पेड़ थे? तो ऑप्शन है आपके कोकोनट, बी है डेट पाम, सी है जैक फ्रूट और डी है बीटल नट। तो ऑप्शंस ये आपके दिए हैं, यानी कि पहला जो है नारियल का और सेकंड जो दिया है खजूर का पेड़, सी जो दिया है ये कटहल का पेड़ दिया है और जो डी है दैट इज सुपारी। तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेट पाम। यानी कि जितने आपको ये गल्फ कंट्रीज मिलेंगे यहां पर खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर कोकोनट, जैक फ्रूट और बीटल नट जैसे पेड़ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मनी यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड, यानी कि अबू धाबी में जो मनी का इस्तेमाल किया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, या हम करेक्ट वर्ड यूज करें, द करेंसी ऑफ अबू धाबी इज। तो अबू धाबी की आपको यहां पर करेंसी बतानी है। तो ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, रुपी या फिर दिरहम। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिरहम जो है ये अबू धाबी में जो करेंसी यूज होती है दैट इज दिरहम। तो ये पूरी यूनाइटेड अरब एमिरेट की करेंसी है और ये अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 1 दिरहम में 22 रुपीज एंड 53 पैसे के अराउंड आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपको बताना है, यानी कि यातायात का सबसे तेज जो है साधन आपको बताना है। ऑप्शंस है कार, एरोप्लेन, ट्रेन या फिर मेट्रो। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी, एरोप्लेन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी इज, यानी कि अबू धाबी की आधिकारिक भाषा यानी कि जिस भाषा में वहां पर कार्य होता है तो वो कौन सी है? पहला है हिंदी, अरेबिक, इंग्लिश या फिर उर्दू। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी। तो करेक्ट आंसर इज बी, अरेबिक। अरेबिक जो लैंग्वेज है यानी कि जिसे हिंदी में अरबी भाषा बोलते हैं वो अबू धाबी की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ अबू धाबी इज, आपको अबू धाबी का क्लाइमेट बताना है कैसा है। ऑप्शंस दिए हैं हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म और नमी वाला, बी है कोल्ड एंड ड्राई यानी कि ठंडा और सूखा, सी है हॉट एंड ड्राई यानी कि गर्म और सूखा और डी है नीदर टू हॉट और टू कोल्ड, ना ही ज्यादा ही ठंड गर्म या ना ही ज्यादा ही ठंडा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो आई थिंक आपको पता होगा कि अबू धाबी जो है एक डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि ड्राई होगा और वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है तो यानी कि हॉट भी होगा,
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉट एंड ड्राई, यानी कि गर्म और बिना नमी वाला या फिर सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एंजॉयड लोकेटिंग केरला एंड अबू धाबी ऑन आ, यानी कि जो बच्चे हैं जो इस चैप्टर में जो शशि है और जो बाकी बच्चे हैं, तो वो केरला और अबू धाबी को उन्होंने कहीं पर लोकेट किया। तो ऑप्शंस है वर्ल्ड मैप पर, ग्लोब पर, ड्राइंग पर या फिर बॉल पर। तो जो है चितप्पन ने बच्चों को क्या दिया था, ग्लोब दिया था, और उसी पर उन्होंने जो है केरला और अबू धाबी को लोकेट किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, एक आपका अर्थ का मिनिएचर मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, शांता वाज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग फ्लाइट फ्रॉम अबू धाबी। अबू धाबी से लंबी फ्लाइट के बाद जो शांता जो है वो थक गई थी। तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, क्योंकि जो फ्लाइट है वो भले ही जो है अबू धाबी इंडिया से दूर हो, लेकिन जो फ्लाइट है क्योंकि वो फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो 2-2.5 घंटे की फ्लाइट में ही वो इंडिया केरला में लैंड कर गए। सो दैट मींस दे वर नॉट टायर्ड। तो अगला है, शांता सेड दैट अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया। शांता ने कहा है कि अबू धाबी जो है इंडिया से दूर है, तो दिस वन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इट रेन्स ऑफन इन अबू धाबी। तो अबू धाबी क्योंकि एक डेजर्ट एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो दिस वन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग्स इन अबू धाबी आर एयर कंडीशनड। तो अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स है वो एयर कंडीशनड है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बिना एयर कंडीशनड बिल्डिंग के वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पीपल इन अबू धाबी यूजली वियर वुलन क्लोथ्स। तो जो अबू धाबी में जो लोग हैं वो वुलन क्लोथ्स यानी कि जो है ऊन वाले कपड़े पहनते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो है गर्मी होती है और ड्राईनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो वहां पर कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं, ना कि वुलन क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर आपको फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है, मालू एंड हर फादर went to the airport to receive। मालू और उसके फादर एयरपोर्ट गए किसको रिसीव करने के लिए, चितप्पन एंड हिज फैमिली, चितप्पन को और उसके परिवार को रिसीव करने के लिए गए, क्योंकि वो लोग अबू धाबी से आ रहे थे। तो चितप्पन जो वर्ड है ये मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है, मलयालम जो केरला में लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज मलयालम, और उस मलयालम लैंग्वेज में चितप्पन जो है चाचा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंजम्मा वाज द वाइफ ऑफ, कुंजम्मा किसकी वाइफ थी, कुंजम्मा वाज द वाइफ ऑफ चितप्पन, चितप्पन की वाइफ थी, यानी कि जो है मलयालम लैंग्वेज का ये भी वर्ड है कुंजम्मा, और ये मलयालम में आंटी को यानी कि चाची को कुंजम्मा बोला जाता है, और चितप्पन किसे बोला जाता है, चाचा को बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट इज मालूज कजिन्स वर नेम्ड डैश एंड डैश। तो मालू के जो कजिन है यानी कि चचेरे भाई बहन है, उनका क्या क्या नाम था, उनका नाम था शांता एंड शशि। अगला क्वेश्चन है, द प्लेसेस मालू फाउंड ऑन द ग्लोब वर। तो ग्लोब पर मालू को क्या क्या प्लेसेस मिले थे या क्या क्या उसने स्पॉट किए थे, तो दैट इज अबू धाबी, सबसे पहले अबू धाबी को जो है लोकेट किया था ग्लोब के ऊपर, देन केरला, आफ्टर दैट चेन्नई एंड इन लास्ट कोची। अगला क्वेश्चन है, वाटर इज वेरी डैश इन डेजर्ट एरियाज। तो जो डेजर्ट एरियाज होते हैं जहां पर रेगिस्तान होता है, रेत होता है, तो वहां पानी बहुत ही क्या होता है, प्रेशियस होता है, यानी कि अनमोल होता है, कीमती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गो टू अबू धाबी इन एन, अबू धाबी में हम जो है किससे जा सकते हैं, वी कैन गो टू अबू धाबी इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरला हैज अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश अनलाइक अबू धाबी। अबू धाबी की तरह केरला में बहुत सारे क्या है, प्लांट्स एंड फ्रूट्स है। तो क्योंकि अबू धाबी जो है डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स नहीं होते हैं, और वहां पर अगर कुछ प्लांट्स मिलते हैं तो किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका डेट पाम हुआ या कैक्टस के प्लांट्स हुए, तो इस तरह के प्लांट्स आपको डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पेट्रोल इज डैश देन वॉटर इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में पेट्रोल जो है इज चीपर देन वॉटर, यानी कि पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता है, क्योंकि वहां पर सैंडी एरिया है तो वहां पर पानी बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही वहां पर महंगा पानी मिलता है, और क्योंकि वहां पर जो है पेट्रोल डिग करते हैं, वो पेट्रोल को नीचे से निकालते हैं, तो वहां पर ऑयल फील्ड्स है, तो इसीलिए पेट्रोल वहां पर चीपर है देन वॉटर। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के मॉडल को, या फिर हम कह सकते हैं मिनिएचर मॉडल को, हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द नेम ऑफ द कंट्री इन कॉलम ए विद द पिक्चर ऑफ इट्स करेंसी इन कॉलम बी बाय ड्रॉइंग एरोज। तो आपको दो कॉलम यहां पर दिए गए हैं, पहले कॉलम में कुछ कंट्रीज के नाम है और दूसरे कॉलम में उनकी करेंसीज के नाम है, तो उनको आपको मैच करना है। तो पहला जो नाम दिया है दैट इज यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसकी जो करेंसी है दैट इज यूएस डॉलर, और ये थर्ड नंबर पे दी गई है, इसको आप मैच करेंगे। और यदि हम यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा लगभग 82 रुपीज एंड 68 पैसे, तो ये आज का कन्वर्जन रेट है। तो ये जो है वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, जो भी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। तो उसके बाद में अगला जो दिया है दैट इज इंडिया, इंडिया की जो करेंसी है दैट इज इंडियन रुपीज, जो इसको INR शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, इंडियन रुपीज, तो ये फर्स्ट नंबर पे दी गई है, इसको आप मैच करेंगे। वहीं थर्ड नंबर पे दिया है ओमान, ओमान जो है उसकी जो आपकी करेंसी है दैट इज ओमानी रियाल, और ये बी पे दिया है, फर्स्ट जो सेकंड नंबर पे दिया है, इसको आप मैच करेंगे। वहीं यूएसए की यदि मैं बात करूं कैपिटल की, तो यूएसए की कैपिटल है दैट इज वॉशिंगटन डीसी, तो ये भी आप साथ के साथ याद करते चलिए कि यूएसए की जो कैपिटल है दैट इज वॉशिंगटन डीसी, और जो करेंसी है दैट इज यूएस डॉलर। इंडिया की जो कैपिटल है दैट इज न्यू दिल्ली एंड करेंसी इज इंडियन रुपीज, और वही ओमान कंट्री की जो कैपिटल है दैट इज मस्कट एंड जो करेंसी है दैट इज ओमानी रियाल। और आज का कन्वर्जन रेट की यदि हम बात करें तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ओमानी रियाल को, ये होगा अराउंड 214 रुपीज एंड 91 पैसे। और ओमान की यदि हम लोकेशन की बात करें तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और उसके नीचे सऊदी अरेबिया और उसके नीचे यमन कंट्री है, तो तीनों से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट वन इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, इसे हम मैच करेंगे दैट इज रेनमिनबी, और कहीं कहीं आपने युआन के नाम से भी इसकी करेंसी को आप जानते होंगे, तो इसका जो युआन है वो रेनमिनबी का ही एक यूनिट है। और आज की कन्वर्जन रेट की यदि हम बात करें तो टुडेज द कॉस्ट ऑफ वन युआन इज इक्वल टू 12.04 इंडियन रुपीज, तो 12 रुपए 4 पैसे का जो है चाइना का युआन है, या रेनमिनबी की हम बात करें। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। इसी तरह इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की जो करेंसी है दैट इज स्टेरलिंग, तो कहीं कहीं आपने इसको पाउंड के नाम से भी सुना होगा, तो स्टेरलिंग की ही एक यूनिट है पाउंड। और यदि हम आज के कन्वर्जन रेट की बात करें तो 1 पाउंड या 1 स्टेरलिंग पाउंड इज इक्वल टू 98 रुपीज एंड 51 पैसे। और इंग्लैंड की जो कैपिटल है दैट इज लंडन, लंडन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, और इसको हम मैच करेंगे दिस वन डी से मैच करेंगे, क्योंकि ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके आंसर आपको वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में देने हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई वाज देयर अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस टुडे, यानी कि आज मालू के घर पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज क्यों हो रही है, इतनी चहल पहल क्यों हो रही है, तो ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस बिकॉज चितप्पन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम फ्रॉम अबू धाबी आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये इतनी ज्यादा एक्टिविटीज मालू के घर इसलिए है क्योंकि चितप्पन यानी कि उसके अंकल, मालू के अंकल और उसका जो परिवार है 5 साल बाद अबू धाबी से वापस आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर शांता एंड शशि सरप्राइज्ड, शांता और शशि जो है वो सरप्राइज क्यों थी, आश्चर्यचकित क्यों थी, शांता और शशि कौन है, ये चितप्पन के बच्चे हैं। सो द आंसर इज शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी मैनी फ्रूट ट्रीज, क्योंकि ये बहुत सारे फलों के पेड़ों को देख के जो है शांता और शशि सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि अबू धाबी में जो है केवल और केवल उन्हें डेट पाम का जो पेड़ है वही देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड चितप्पन गिव मालू, यानी कि चितप्पन ने मालू को क्या दिया. सो द आंसर इज चितप्पन गेव मालू अ ग्लोब, यानी कि चितप्पन ने मालू को एक ग्लोब दिया. ग्लोब क्या होता है? मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ. अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड चितप्पन से दैट इन अबू धाबी दे कुड नॉट ओपन द हाउस विंडोज, यानी कि चितप्पन ने ऐसा क्यों कहा कि वो अबू धाबी में घरों की खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं. सो द आंसर इज चितप्पन सेड दैट बिकॉज इन अबू धाबी द वेदर इज वेरी हॉट, क्योंकि अबू धाबी जो एक आपका डेजर्ट एरिया है वहां जो वेदर है बहुत ही गर्म है और इसी वजह से वो जो है घर की खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मालू डिसाइड टू डू फॉर हर क्लास, यानी कि मालू ने अपनी क्लास के लिए क्या करने का जो है डिसाइड किया, सोचा. तो आंसर इज मालू डिसाइडेड टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास. तो मालू ने सोचा, मालू ने डिसाइड किया कि वो अपनी क्लास के लिए अबू धाबी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसके आंसर आपको 30-40 वर्ड्स में देने हैं. तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स शांता सो फ्रॉम द प्लेन ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट के दौरान प्लेन से शांता ने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखी, ये आपको बताना है. सो द आंसर इज ड्यूरिंग द फ्लाइट शांता सो क्लाउड्स, तो फ्लाइट के दौरान शांता ने जो है बादल देखे. सैंड चेंजिंग कलर टू व्हाइट ब्राउन येलो रेड एंड ब्लैक, यानी कि रेत जो है वो रंग बदलता देखा, कभी जो है वो व्हाइट दिख रहा था, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी रेड और कभी ब्लैक. एंड शी ऑल्सो सो माउंटेन्स मेड ऑफ सैंड, और उसने रेत के बने हुए माउंटेन्स भी देखे विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है वो भी उसने देखे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द गिफ्ट्स कुंजम्मा गेव एवरीवन, यानी कि जो कुंजम्मा ने सभी को जो गिफ्ट्स दिए तो उनको डिस्क्राइब करो क्या क्या गिफ्ट्स दिए. सो कुंजम्मा गेव एवरीवन डेट्स टू ईट, सभी को जो है खाने के लिए खजूर दिए कुंजम्मा ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पीपल लिविंग इन अबू धाबी प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हीट, यानी कि जो अबू धाबी में लोग रहते हैं वे अपने आप को गर्मी से कैसे बचाते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको बताना है. सो द आंसर इज पीपल इन अबू धाबी लिव इनसाइड एयर कंडीशन्ड रूम, यानी कि जो अबू धाबी में जो लोग रहते हैं एसी रूम में रहते हैं, एयर कंडीशन्ड रूम्स में रहते हैं, वियर कॉटन क्लोथ्स और साथ में कॉटन के जो है कपड़े पहनते हैं. दे कीप देमसेल्व्स फुल्ली कवर्ड, और अपने आप को पूरी तरह से कवर रखते हैं. दे इवन कवर देयर हेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हीट, यानी कि गर्मी से खुद को बचाने के लिए वो इवन सर को भी कवर रखते हैं, अपने आप को फुल्ली जो है कपड़ों से ढक के रखते हैं हीट से बचाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है चितप्पन सेड दैट इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, व्हाई डिड ही से सो, यानी कि चितप्पन ने कहा कि वास्तव में जो पेट्रोल है वहां पर वो पानी से भी सस्ता है, ऐसा चितप्पन ने क्यों कहा. तो आंसर इज ही सेड सो बिकॉज इन अबू धाबी देयर आर ऑयल फील्ड्स सो पेट्रोल इज चीप देयर, यानी कि जो अबू धाबी में है वहां पर ऑयल फील्ड्स है जहां पर नीचे से पेट्रोल निकलता है, तो इसीलिए जो पेट्रोल है वहां पर सस्ता है, चीप है. ऑल्सो द प्लेस इज कवर्ड विद सैंड सो देयर इज नो वाटर देयर, तो जो प्लेस है वो पूरा जो है सैंड से कवर है, वहां पर डेजर्ट एरिया है इसीलिए वहां जो है पानी नहीं है. दैट इज वाई पेट्रोल इज चीपर देन वाटर इन अबू धाबी, इसीलिए जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता है अबू धाबी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन 80-100 वर्ड्स, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंसेस वर गिवन बाय चितप्पन एंड कुंजम्मा अबाउट ग्रीनरी रेन एक्सेट्रा बिटवीन अबू धाबी एंड केरला, यानी कि जो चितप्पन और कुंजम्मा ने ग्रीनरी और रेन को लेकर के अबू धाबी और केरला में क्या क्या अंतर बताए, मतलब कि वेदर को लेकर क्या क्या अंतर बताए, ये आपको बताना है. सो द आंसर इज इन अबू धाबी देर इज ऑलमोस्ट नो रेन एंड नो वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वाइल इन केरला इट रेन्स फ्रीक्वेंटली. उन्होंने चितप्पन और कुंजम्मा ने कहा कि अबू धाबी में जो है बारिश नहीं होती है और ना ही वहां पर कोई वाटर बॉडीज है. तो वाटर बॉडीज क्या होते हैं, जल निकाय, जैसे कि रिवर लेक्स पॉन्ड्स, ये जब ये सभी क्या होते हैं, जल निकाय होते हैं. तो ऐसा कोई जल निकाय जो है अबू धाबी में नहीं है, और जबकि केरला में जो है अक्सर बारिश होती रहती है. इन अबू धाबी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री इज फाउंड दैट इज डेट पाम वाइल इन केरला देर आर कोकोनट ट्रीज बनाना ट्रीज जैक फ्रूट
पपाया एंड बीटल नट एक्सेट्रा। तो अबू धाबी में केवल एक तरीके का पेड़ मिलता है और वो खजूर का पेड़ मिलता है, जबकि केरला में जो है आपको कोकोनट के यानी कि नारियल के पेड़, केले के पेड़, जैक फ्रूट यानी कि कटहल के पेड़, पपाया यानी कि पपीते के पेड़ और बीटल नट यानी कि सुपारी के पेड़ एक्सेट्रा, ये सभी पेड़ जो है केरला में मिल जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीनरी है केरला में। इन अबू धाबी द वेदर इज हॉट एंड ड्राई। अबू धाबी का जो वेदर है वो जो है गर्म है और सूखा है, जबकि केरला का हॉट एंड ह्यूमिड है, यानी कि उसमें गर्मी भी है और नमी भी है। नाउ थिंक, फाइंड एंड राइट, एंड द क्वेश्चन इज मेक अ कंपैरिजन बिटवीन केरला एंड अबू धाबी रिगार्डिंग द पॉइंट्स गिवन इन कॉलम ए ऑफ द टेबल गिवन बिलो। नीचे एक टेबल दी गई है, इसमें कॉलम ए में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसी पॉइंट्स के आधार पर आपको केरला और अबू धाबी के बीच में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। जैसा सबसे पहले दिया है कि वहां पर जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है, तो केरला में लैंडफॉर्म जो है वो प्लेन एरिया है एंड इन अबू धाबी दैट इज डेजर्ट एरिया। तो केरला की जो लैंडफॉर्म है दैट इज प्लेन्स और अबू धाबी की क्या है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। अगला है क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट केरला का कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है यानी कि गर्मी है और आद्रता यानी कि नमी है उसके जो आपका क्लाइमेट है, वेदर जो है। और अबू धाबी का कैसा है, हॉट एंड ड्राई और वी कैन से वेरी ड्राई, तो वहां पर जो बहुत ज्यादा जो है सूखा है और गर्मी है। करेंसी की जब बात करें तो केरला में जो है क्योंकि वो इंडिया में है इंडियन करेंसी यूज होती है, तो केरला में करेंसी कौन सी यूज होती है, रुपी। अबू धाबी में कौन सी यूज होती है, दिरहम। अगला है लैंग्वेजेस स्पोकन, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। केरला में मलयालम एंड इंग्लिश बोली जाती है, जबकि अबू धाबी में अरेबिक एंड इंग्लिश जो भाषा है वो बोली जाती है। क्लोथ्स की बात करें केरला में और अबू धाबी में, क्योंकि दोनों जगह गर्मी है तो दोनों जगह कॉटन क्लोथ्स जो है पहने जाते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स की बात करें तो केरला में वन और टू स्टोरी बिल्डिंग या वन और टू स्टोरी हाउस, एक या दो मंजिला घर जो है मोस्टली केरला में देखने को मिलते हैं, जबकि अबू धाबी में वहां पर हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती है। ट्रैफिक की बात कर ले तो केरला का जो ट्रैफिक है नॉट वेरी डेंस, यानी कि बहुत ज्यादा भरा हुआ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है केरला में, जबकि अबू धाबी में वी सी डेंस ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द पीपल शोन इन द करेंसी नोट्स शोन इन क्वेश्चन फोर। यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर में जो आपने करेंसी नोट्स देखे थे और हमने मैच किया था कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, तो उसमें जो पिक्चर्स बनी हुई है करेंसी नोट्स में, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि किस किस का जो है पिक्चर बनी हुई है। और आगे लिखा है एंड राइट देम बिलो मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंट्री, तो और वो आपको नाम नीचे लिखने हैं और उनके कंट्री का भी नाम मेंशन करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यूएसए, तो यूएसए की जो करेंसी है दैट इज यूएस डॉलर और उसपे जो पिक्चर बनी हुई है दैट इज ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन की पिक्चर बनी हुई है और जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद सेकंड दैट इज इंडिया और इंडिया की करेंसी जो है दैट इज रुपीज और उसपे जो पिक्चर बनी है वो बनी है महात्मा गांधी की और महात्मा गांधी जो है भारत के राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है ओमान, ओमान की जो करेंसी है दैट इज ओमानी रियाल और उसपे जो पिक्चर बनी है दैट इज ऑफ सुल्तान कबूस बिन सईद, जो सुल्तान कबूस बिन सईद है वो फॉर्मर सुल्तान है ओमान कंट्री के और 2020 में इनकी डेथ हो गई थी, तो 2020 तक ये ओमान के जो है सुल्तान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज चाइना, चाइना के जो करेंसी है वो आपकी है रेनमिनबी या फिर युआन और उसपे जो पिक्चर बनी होती है दैट इज ऑफ माओ जेडोंग, जो है माओ की पिक्चर उसमें बनी हुई है और ये कौन है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है चाइना के जो कि 1976 तक रहे। उसके बाद नेक्स्ट इज इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो करेंसी है जो दैट इज स्टेरलिंग और वी कैन से पाउंड और उसपे जो पिक्चर बनी है दैट इज ऑफ एलिजाबेथ सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जो है पिक्चर बनी हुई है और इनकी अभी सितंबर 2022 में डेथ हुई है और इनके बाद जो है अभी इनके जो बड़े लड़के हैं चार्ल्स उनको किंग बनाया गया है, लेकिन करेंसी नोट पर जो पिक्चर है दैट इज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स। तो यहां पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको फिल अप करना है। तो पहला दिया है हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड। जो सैंड के हिल्स है, सैंड के जो टीले होते हैं, छोटी पहाड़ियां जो सैंड की बनी होती है, तो उनको क्या कहते हैं? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स उनको बोला जाता है। अगला है देयर इज अ लॉट ऑफ डैश अंडर द सैंडी सॉइल, यानी कि जो रेतीली मिट्टी है उसके नीचे बहुत सारा क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल, वी कैन से ऑयल और पेट्रोलियम। तो बहुत सारा जो है वहां पर ऑयल है, या हम पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डैश इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्री फाउंड इन अबू धाबी। अबू धाबी में जो है आमतौर पर मिलने वाला पेड़ कौन सा है? दैट इज द डेट पाम, जो खजूर का पेड़ है वो आपको कॉमनली अबू धाबी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ, अबू धाबी कहां की कैपिटल है? दैट इज द कैपिटल ऑफ यूएई और वी कैन से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश हैज थिक ग्रीनरी ऑल अराउंड, यानी कि किसके चारों ओर जो है बहुत ज्यादा घनी ग्रीनरी है, हरियाली है। सो केरला हैज थिक ग्रीनरी ऑल अराउंड, यानी कि केरला जो है, केरला में चारों ओर बहुत ज्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट है, डेंस ग्रीनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज लिस्टेड बिलो एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको नीचे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और उनको, उनकी जो कैपिटल है वो आपको बतानी है। एक आपके लिए किया हुआ है पहले से ही, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है वो यहां पर बताई गई है, दैट इज अबू धाबी। तो आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कैपिटल ऑफ चाइना, तो चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड, थाईलैंड की जो कैपिटल है दैट इज बैंकॉक। उसके बाद नेक्स्ट इज ग्रीस, ग्रीस की जो कैपिटल है दैट इज एथेंस, एथेंस ग्रीस की कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट इज जर्मनी, जर्मनी की जो कैपिटल है दैट इज बर्लिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है इटली, इटली की जो कैपिटल है दैट इज रोम। और उसके बाद लास्ट दिया है जापान, जापान की जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी फाइव टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स एंड नेम द कंट्री इन विच दे आर यूज्ड। आपको पांच करेंसी नोट्स की पिक्चर पेस्ट करनी है और बताना है कि वो कौन सी कंट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहली पिक्चर आप देखिए, ये इस्तेमाल करी जाती है करेंसी जापान में, और ये जो करेंसी है दैट इज जापानीज येन, येन करेंसी है और ये जापान में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अगला करेंसी नोट देखिए, ये जो है ये यूज किया जाता है ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है सभी देशों में यही करेंसी यूज की जाती है, और ये जो करेंसी है दैट इज यूरो। उसके बाद अगली जो है करेंसी देखिए, तो ये इसमें लिखा भी है जो है कंट्री का नाम, ये कहां इस्तेमाल की जाती है? इस्तेमाल की जाती है नेपाल में, और इसको बोला जाता है नेपाली रुपया या फिर नेपालीज रुपी, इंग्लिश में हम बोलते हैं। उसके बाद अगला देखिए आप, ये जो करेंसी है ये इस्तेमाल की जाती है बांग्लादेश में, और ये जो करेंसी है इसका नाम है बांग्लादेशी टका। उसके बाद अगला जो है ये करेंसी देखिए, ये हमने पहले भी जो है करेंसी नोट देखा है, ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जाता है, इस पे इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का आप पिक्चर भी देख सकते हैं, एंड दैट इज पाउंड। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।